أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِي and and then شهر رمضان <applause> الذي شهر رمضان اذن للناس وبينات من الهدى عدة من ايام اخرى is that

क्योंकि कुरान की तिलावत गुनाहों को धुल देती है गुनाहों का कफ़ारा होती है नाजरीन सलामैक कुरान की जानब से तीसरे दिन की क्विज़ में यानी कौन बनेगा तर्जुमे के चैम्पियन कुरान के तर्जुमे का चैम्पियन इस क्विज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि आज तीसरे पारे का वो विनर के अनाउंसमेंट का दिन है और हम सब यहाँ इसी लिए जमा हुए हैं इस जी जाफर भाई हमारी जानब से भी हमेशा की तरह आपकी खिदमत में और सभी कुरान की टीम की तरफ से तमाम नाजरन के खदमत में ज़ रतज़ सलाम और मुबारकबाद के इन्होंने अभी तक पिछले गुजश्त दो दिनों में पूरी हिम्मत के साथ और पूरे हौसले के साथ इस चीज में शिरकत किया है तो हम लोग अपनी गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं और को। मरहले को आ, आगे बढ़ाया जाए एक वो रस्मी जो ऐलान जो शुरू के कुछ दिनों में किया जाता है कि सिलेबस बता दें के जो सिलेबस है हमारा जैसे कि आप सब जानते हैं बखूबी जानते हैं कि सिलेबस में सिर्फ दो वीडियो हैं एक तो एक एक पारा मौलाना फरमान अली साहब मरहूम का एक, तर, एक पारे का तर्जुमा सुनना होता है साथ ही साथ एक वीडियो देखनी होती है एक पारा दस पैगाम की तकरीबन एक चालीस मिनट का वीडियो उसके बाद जो है गूगल फॉर्म की लिंक जो है सुबह पाँच बजे इंडियन टाइम सुबह पाँच बजे से लिंक ओपन हो जाती है और शाम के आठ बजे तक जो है ये लिंक ओपन रहती है तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से जब भी आपको मौका मिले आप आके जो है गूगल फॉर्म के ज़रिए से इस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करें पहले और उसके बाद आके जो है

हमें दी, हाँ, दी हो, होगी साथ ही साथ ये भी कहते चले कि अगर आपको इस क्विज के सिलसिले में कोई भी सवाल हो कोई भी जो है जिस सवाल हो जिसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो सबीर कुरान के पेज पे एफ पेज है उसमें जाके तक वो पढ़ें उसको गौर से पढ़ें तकरीबन तमाम सवालों के जवाब वहां दिए गए हैं अगर उसके बावजूद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो फिर इस ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इस नंबर पे हमारी टीम से करें हमारी टीम आपकी रहनुमाई करेगी हाँ वैसे अभी हमारे तनवीर भाई कह रहे थे कि मुझे रात में दो बजे तक भी जवाब देना पड़ता है सुबह में उठने के बाद भी जवाब देना पड़ता है इसका मतलब ये है कि

दिया करते थे इस इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए तो इस साल भी हमें अपना फीडबैक दें किस तरह से आपका माह रमज़ान गुजारा है किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं आपकी क्या राय है क्या मशवरे हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें जी चले जाफर भाई हम लोग आ, 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 वीडियो पे लेकर जी आज के दस सवाल को देख लेते हैं और उनके सही जवाब को जी सवाल नंबर एक आज की एक पारा दस पैगाम की वीडियो के मुताबिक कौन सा जवाब सही है सही जवाब ऑप्शन डी तीनों जवाब सही है सवाल नंबर दो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा जवाब इस जुमले के लिए सही है खुदा से मोहब्बत नहीं करते सही जवाब ऑप्शन ए जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है सवाल नंबर तीन सूर्य बकरा आयत नंबर दो सौ छप्पन आयतल कुर्सी के मुताबिक दीन के बारे में कौन सा जवाब सही है सही जवाब ऑप्शन बी दीन में जबरदस्ती नहीं है सवाल नंबर चार जनाब इब्राहिम के बारे में कौन सा जवाब सही नहीं है सही जवाब ऑप्शन डी आप मुशरकिन के तरफदार थे सवाल नंबर पांच जो लोग अपने माल को खुदा की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल कुरान ने क्या दी है सही जवाब ऑप्शन सी उनके खर्च की मिसाल उस दाने जैसी है कि जिसकी सात बालियां निकले जिसमें सौ सौ दाने हों सवाल नंबर छह अब जिस शख्स ने भी झूठे खुदाओं यानी बुतों का इनकार किया और खुदा पर ही ईमान लाया तो उसने सही जवाब ऑप्शन ए वो मजबूत रस्सी पकड़ ली जो टूट ही नहीं सकती सवाल नंबर सात कर्ज के लेन देन के लिए क्या बेहतर है सही जवाब ऑप्शन बी लिखा पढ़ी करें सवाल नंबर आठ सूद लेने वालों और सूद को न छोड़ने वालों के बारे में खुदा ने क्या कहा है सही जवाब ऑप्शन बी खुदा और रसूल से लड़ने के लिए तैयार रहे सवाल नंबर नौ कौन लोग हैं जो मुतशाबे आयत के पीछे पड़े रहते हैं और क्यों सही जवाब ऑप्शन बी जिनके दिलों में गजी है ताकि फितरा बर्पा कर सकें आखिरी सवाल सवाल नंबर दस और अगर तंगदस्त तुम्हारा कर्जदार हो तो उसे खुशहाली तक मोहलत दो ये आयत किस तरीके से मुकम्मल होगी सही जवाब ऑप्शन बी और अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में ये ज्यादा बेहतर है कि असल भी बख्श दो यानी माफ कर दो तो नजरे ने कराम ये थे दस सवाल उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवाल सही होंगे और इन आप विनर करार पाएंगे यहाँ पर मैं रुक कर थोड़ी सी गुफ्तगुजर व ऐसा करना चाहूँगा सवाल नंबर पाँच के सिलसिले से पाँचवा सवाल जो था वो ये था कि जो लोग अपने माल को ख़ुदा की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसी, कैसी है? है और उसका सही जवाब यकीन नाजरीन ने सब ने सही, सही लगाया है।, है और सवाल का सही जवाब ये था कि जो लोग अपने माल को खुदा की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल जो दी गई है ऐसी है कि जैसे जिसकी ए, जी ए, उनके खर्च की मिसाल उस दाने जैसी है जिसके जिसकी सात बालियां हैं और जिसमें हर बाली में सौ जिसमें हर बाली में बाली में सौ सौ दाने सौ इसका मतलब ये है कि एक कार खैर में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसका नतीजा सौ के बराबर हो सकता है बेशक और हम लोगों के जहन में ये होता है कि इस महीने में जब हम ख़र्च करते हैं तो सुबह में सदका निकालते हैं जहन में ये होता है कि जब हम पाँच रुपये दस रुपये या एक के कोई मसलन आटा चावल ये किसी गरीब को दें बस यही सदक़ा है के सदक्या का बहुत, वसी है, बहुत आम है। और उसके अलावा किसी भी कार में किसी भी तरीके से आपने पैसा खर्च किया है वो भी यकीन सदक के हुक्म में आता है बिल्कुल यकीन ये सदका है खुदा की राह में खर्च करना कुरान में जान कितनी मुतद आयतें हैं इस सिलसिले में कि जहाँ इंसानों को कहा गया है कि राह ख़ुदा में ख़र्च करें तो ख़र्च करने के बहुत से मसाद हैं उनमें से एक मजदाक ये हो सकता है कि आप इस कुरानी प्रोग्राम को जो है सपोर्ट करें इस क्विज़ को सपोर्ट करें कि जिसमें इतनी मेहनत हो रही है न जाने कितने ममिनिन कितने जवान जो है जुड़े हुए हैं हर रोज़ जी जाफ़र भाई पिछले तकरीबन अड़तालीस घंटे और अड़तालीस या बहत्तर घंटे में तकरीबन तीस हजार से ज्यादा ममिन ने सबील कुरान चैनल पर आकर तिलावत और तर्जुमे सुना मशाल्ण। है माशा तो और तो आप ये सोचें कि तीस हजार अफराद ने आके कुरान को सुना है तो उनके सवाब कितने ज्यादा माह रमजान मुबारक में एक आयत की तिलावत का सवाब पूरे कुरान के बराबर है तो यकीन आप सोचें कि कितनी बार जो है वो लोगों ने सुना है अगर आप इन तमाम स्वाब को अपने मरहुमीन तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कायम करें ये जो अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है आप उसमें अपने रकम ट्रांसफ़र करके हमारी टीम से राबता कायम करें इन आगे के प्रोग्राम में आपके मरहूमिन के लिए इस साल ब किया जाएगा लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जाफ़र भाई ज़रूरी है बताते चले हम लोग कि जो ममिन बाहर से यानी इंडिया से बाहर हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि पहले टीम से रबता कायम करें फिर उसके बाद से जिस तरीके से हमारी टीम बयान करेगी उसके मुताबिक आप चलिएगा पहले ही हमारे अकाउंट में पैसा इंडिया के बाहर से ट्रांसफर नहीं की गई जी बिल्कुल जी। आ, मैं वकार भाई की बात को और मुकम्मल कर दूं कि सबील ग्रुप के पास आयतुल्ला खाम नहीं आयतुल्ला सिस्तानी हफिजुल्ला का इजाजा भी मौजूद है तो अगर आप रुको में शरिया के जरिए से भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं जी जी तो चलें वक्त आ चला है कि हम इस सवाल करें जी बिल्कुल जी आज के जो मरहूमिन हैं उनमें नाम है सबसे पहले जनाब मकबूल अहमद साहब का इसी तरीके से मौलाना गुलाम मस्करी साहब का और मौलाना करार हुसैन साहब का जो तीन अजीम आलिम दीन हैं और इन्होंने हिंदुस्तान के लिए और बैरून हिंदुस्तान के लिए बहुत जो है वो अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं और शेयत दुनिया शीयत के लिए बहुत अज़ीम खिदमत की है लिहाजा आए मिलकर इनकी रूह को इसाल करते हैं और इनके जो है वो तस्कर खैर से अपने इस महफ़िल को नूरानी करते हैं <سيح> اللهم صل على محمد، <سيح> اللهم صل على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم जी तो आए जाफर भाई हम लोग चलते हैं तो इसके डाटा आ, को देखते हैं हाँ जी बिल्कुल अब वक्त हो चला है कि आज के दिन के डाटा को देखें देखें कितने लोगों ने शिरकत की क्या रहा कैसी रही उनकी कारकर्दगी कितने लोगों के सही जवाब रहा उससे पहले डाटा जब तक हमारी टीम आमादा करिए एक बात और कहते चले कि अगर आप स्नैपचैट के जरिए से भी जो है आ, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्नैपचैट से भी सपोर्ट कर सकते हैं जब आप यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम देखते हैं तो आप इस तरह से सुपरचैट के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम के साइड में लोग इस बॉक्स में चैट कर रहे होते हैं इस जगह पर चैट लिखते हैं यहाँ पर इमोजीज हैं और इस जगह पर डॉलर का निशान है अब अगर आप हमें सुपरचैट के जरिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस डॉलर के निशान पर क्लिक करें अब यहाँ दो ऑप्शन है चैट आप इससे भी सपोर्ट कर सकते हैं और सुपर स्टिकर से भी सपोर्ट कर सकते हैं सुपर चैट के ऑप्शन में इस जगह पर चालीस रुपए लिखे हैं आप इसे पढ़ा भी सकते हैं जैसे सौ रुपए दो सौ रुपए हजार रुपए या दस हजार रुपए रुपीज के अलग अलग कलर आते हैं इसी तरह जितना चाहें सुपरचेट से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेमेंट आप कार्ड के जरिए करते हैं और आसानी के लिए पहले से कार्ड आमादा करके रखें तो बेहतर है इस तरह आप सुपरचेट के जरिए हमें सपोर्ट करें याद रहे कि सबील मीडिया ये खदमात आपके सपोर्ट और ताउन से ही अंजाम देता है शुक्रिया हाँ जी बिल्कुल डेटा जो है हमारी टीम की जाने से तकरीबन यहाँ पर जब तक के हम लोग आमादा कर रही है हमारी टीम एक जुमला में इससे पहले भी मैंने कहा कि ये ना सोचें कि कम है बल्कि हिम्मत करें अगर आपके जहन में आया कि इस कार्य खैर में हमें शरीक होना चाहिए कम हो या ज्यादा मसला नहीं है अगर आप नहीं कर सकते आपके पास पैसा नहीं है आप जो है वो अभी कोई इनकम नहीं है ईदी भी अभी नहीं मिल पाई होगी जी, जी जी अगर इनकम नहीं है अपने दोस्तों को अपने चाहने वालों को अपने रिश्तेदारों को जो पैसा कमा रहे हैं जिनके पास इनकम है उनसे कहें कि आके प्रोग्राम में डोनेट करें कार्य खैर में शरीक हों जी तो डेटा तकरीबन तैयार है हमारी टीम भी रेडी है आ, आज जो पूरा टोटल रिस्पांस रहा एक हज़ार छः सौ अट्ठावन लोगों ने जो है आ, आज के आज की क्विज में पार्टिसिपेट किया जी जिसमें से 77 परसेंट फीमेल और 22.9 परसेंट मेल जी, मेल अभी कल की तरह ही है बिल्कुल कल की तरह मुझे कल वाला तो नहीं है कल वाला नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 23.8 परसेंट फिर महाराष्ट्र से जम्मू एंड कश्मीर से 3.6 बिहार से 2.3 वेस्ट बंगाल से 1.8 जी तेलंगाना से 1.0 राजस्थान से 1.6 जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू कश्मीर से 1.3 दिल्ली से 1.8 गुजरात से 8.7 लद्दाख से 2.1 और कर्नाटका से जी ये देख सकते हैं आप इंडिया से तकरीबन नाइन्टी टू परसेंट मोमिन थे जिन्होंने आज की क्विज में हिस्सा लिया उसके बाद पाकिस्तान से पाकिस्तान से फोर पॉइंट नाइन और भी यूनाइटेड अरब अमीरात से जीरो पॉइंट जी एट परसेंट मोमिन माशाला जी। हम तो ये चाहेंगे इससे जल्द से जल्द इसमें तादाद और बढ़ती जाए और दीगर मामालिक से भी मोमिन ज्यादा से ज्यादा ले जाए इन जी अब आए देखते हैं, सवाल, वो 100 आ, एट, हैं कि सवाल हंड्रेड परसेंट जित आठ सौ एट सिक्सटी सिक्स मोमिन ऐसे जिन्होंने 50 परसेंट से ज्यादा 100 परसेंट हाँ फिफ्टी परसेंट से ज्यादा मोमिन ऐसे जिनके पूरे मार्क्स आए हैं पहला सवाल जो था तकरीबन 90 परसेंट मोमिन ने इसका सही जवाब दिया जी दूसरा सवाल तक 92 टू परसेंट मोमिन ने तीसरे सवाल कभी नाइनटी टू परसेंट मोमिन ने चौथा सवाल 79 यहाँ पे थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन रहा हो पांचवा सवाल जिसके बारे में आपने तोजी भी दी थी जी, जी सबको पता है वो बात 90 परसेंट मोमिन ने जो है 90.8 पॉइंट परसेंट जी तो अगर आपको बात पता है जवाब पता था तो अब उस पर अमल, अमल की कर, जी 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 अमल कर रहे हैं यकीनन जवान जी और मोमिन जी छठा सवाल 91 वन परसेंट मोमिन ने इसका सही जवाब दिया सातवां सवाल नाइन्टी फाइव परसेंट मोमिन ने

जिन्होंने 100 परसेंट 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 मार्क्स स्कोर किया है यानी आठ सौ ये 800 सौ दस लोगों का जो नाम इंतखा हुआ इन आठ सौ लोगों, लोगों में, में व्हील के जरिए से इनके नाम को इंतखा किया गया है तो अब हाँ इनके नाम को जान देते हैं आ, सबसे पहले हैं इशरत फातिमा भोपाल इंडिया से फिर रिदा नकवी बुकनाला इंडिया से जी समन यासीन जयपुर इंडिया उसके अलावा वीरानी सिलवासा इंडिया से सदफ़ नकवी न्यू डेली इंडिया रोशनी रोशनी ननौता इंडिया से जी मीर हुसैन बड़गाम इंडिया फिर उसके बाद शहर बानो जमशेदपुर इंडिया से जी जरीना बानो हैदराबाद इंडिया और अबूजर नकवी सांगली इंडिया से इन तमाम दस मिन की खिदमत में दस जवानों की खिदमत में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने क़ुरान का मताल किया हमारी वीडियोज़ को जो बयान की गई थी दूसरी भेजी गई थी उसे भी देखा और देखने के बाद आके मुकम्मल तरीके से हंड्रेड परसेंट पूरा जो है वो नंबर हासिल किया और हासिल करने के बाद खुदांद मताल ने उसका अजर यह दिया है उन्हें जाहरी तौर तो अजर है ये मददी अजर है लेकिन हकीकी अदर आप सब का जिनका नाम आया हो या ना आया हो यकीन वो चैम्पियन है और खुदांद मताल के नज़दीक अथार के नज़दीक और खास तौर से जमाने के इमाम के नज़दीक महफूज है जी जब विनर के नाम बता दिए गए तो ये भी बता दें कि जो हमारा इनाम है वो इस तरह इस तरीके से पहले विनर को हज़ार रुपए दूसरे और तीसरे विनर को पाँच सौ रुपए और उसके बाद जो है दस जो है हंड्रेड परसेंट स्कोर करने वाले और दस जो है पार्टिसिपेशन की बुनियाद पर इंक्रेजमेंट के तौर पर इनाम दिया जाता है ये तमाम इनाम जो है वो गिफ्ट जो है वाउचर की सूरत में जिसका कोड जो है हमारी टीम जो है 48 घंटों में आपके दिए हुए ई मेल एड्रेस है जो आप जिस ई मेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस और साथ में आपको वेरीफाई भी जी हाँ वेरीफाई भी करना जरूरी है तो ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है आप फौरन इस नंबर पे जो है अपना जो है वो ई मेल एड्रेस वेरीफाई करें ताकि आपके नाम जो है वो फाइनल हो सके ये भी ऐलान करते चले कि हाँ सबील तफसीर के चैनल पर जो है वो सूर्य आराफ की भी क्विज होने वाली है चौदह अप्रैल को ये क्विज़ होगी कि जिसके सिलसिले में हर रोज तीन वीडियो अपलोड हो रही है सुबह पाँच बजे फिर मेरे ख्याल से दस बजे और फिर जो है दो बजे के करीब जो है ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं सूर्य आरफ़ जी सूर्य की है इसे एक कोशिश ये कीजिएगा कि पूरे महीने में यह माह रमजान मुबारक के महीने से पूरा फ़ायदा उठाएँ चौदह अप्रैल है को ये क्विज़ होने वाली है तो उसे आखिर वक्त के लिए नहीं छोड़िए माह रमज़ान की बरकत से फ़ायदा उठाते हुए अभी से ही तैयारी करें अभी से ही नोट्स बनाएं ताकि उस वक्त आपके हंड्रेड परसेंट आ सकें और आपका इनाम आप तक पहुँचाया जा सके जाहिर इनाम मदी इनाम आप तक पहुँच जाए लेकिन हकीकी इनाम चूंकि माह रमज़ानमबारक में मेहनत कीजिएगा तो यकीन इस महीने महीने में जैसा कि रसूल रसुलकर वसल्लम का जुमला है कि इस महीने में सांस लेना भी इबादत, इबादत है इबादत है तस्बी है तो फिर यकीन जब आप क़ुरान की तफसीर पढ़ेंगे तो ऐसे सूरत में उसका कितना ज़्यादा अजर होगा जी और बहुत नहायत अहम सूरा है जैसे कि सूर आराफ के बारे में आ, मिलता है कि इसे महकमा का सूरा कहा जाता है चूंकि कई महकामा इस सूरे में बयान हुए हैं इमाम जाफर सदसम की रवायत के मुताबिक जो शख्स हर महीने इस सूरज की तिलावत करता है तो परवरदि ऐसे इंसान को जहन्नम की आग से महफूज रखता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूर अब नहायत अहम सूरा तो जरूर इस सूर्य की तफसीर को जाने ये जानने की परवरदिगार आपसे क्या कह रहा कह रहा है बेशक जाफर भाई आगे चलने से पहले मैं एक जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से और तमाम व्यूवर्स से अपने है वो ये कि देखें सभी मीडिया के मुतद चैनल हैं एक चैनल माहिर रमज़ानमारक में शुरू किया गया है वो आप मुमिन के तकाजे से सबील दुआ दुआ जी बिल्कुल मेरे ख्याल से अभी तीन चार ही दिन पहले। तीन चार दिन पहले और उसमें कुछ वीडियोस अभी मतलब दुआ तवसल दुआ सहर इनशा जल्द ही दुआए अबू हमज़ शुमाली भी इन शे अपलोड होने वाली है लिहाजा आप ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें जाके दुआएँ देखें दुआएँ सुने बाद दुआएँ बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ी गई हैं और उसका तर्जुमा भी बहुत ही छे अंदाज में बयान हुआ है जरूर जाके देखिएगा और चार पांच मिनट छः मिनट की दुआएं अगर आके सुनिएगा तो उसका लुत्फी और होगा इसलिए कि उसके तर्जुमे के साथ सुनेंगे आप लोग तो। जी हत्या के जो मैनेजर थे सबील दुआ के उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप कहिएगा कि अभी चूंकि एकदम ही नया ताज़ा ताज़ा लॉन्च हुआ है तो उन्हें सब्सक्राइबर्स की भी जरूरत है तो आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से अपने जानने वालों रिश्तेदारों से भी कहें कि वो सबील दुआ को खास कर जाएं, विजिट करें सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी जी जराकोल्ला खैर जी अब चलते हैं आज के तीन टॉप टेन विनर को भी जान लेते हैं जिसके लिए व्हील के जरिए से जिनका नाम डिसाइड होता है यानी ये वो मौका है जहां पर धड़कने तेज हो जाती हैं काश मेरा भी ना होता जी बिल्कुल व्हील ये तकरीबन घूम रही है जी 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 देखते हैं कहाँ पे आके रुकने वाली है ये जी तमन्ना जहरा भावनगर गुजरात इंडिया से मुबारक हो खार के खिदमत में फिर उसके बाद जी सैयद रिजवान अब्बास चौक रिजवान अब्बास थे बहुत तेजी से ये हमारी वील आगे बढ़ गई इन भी नाम जो है वो आगे आएगा तो उस वक्त कहाँ से है हमारे ये भाई अच्छा यहाँ पर भी महदी नाम था आगे इनशाला नाम का ऐलान किया जाएगा इनके नाम को और इनके शहर को जान लेते हैं यहाँ पे आके जी जी पहला नाम जी जाफर भाई जी पहला पहली विनर है हमारी खाहर तमन्ना जहरा वसाया भावनगर इंडिया इंडिया से, से मुबारक हो दूसरा नाम है सैयद रजवान अब्बास चकवाल पाकिस्तान से और तीसरे विनर है मेहदी हुसैन बेंगलोर इंडिया से मुबारक हो तीनों हमारे विनर के खिदमत में इन तीनों विनर की खिदमत में जो इनाम हमारी टीम की जानिब से जाने वाला है पहले जो है वो आके वेरीफाई करना वेरीफाई करने और इंशाल्लाह अगर वेरीफाई हो जाता है तो 48 घंटों के अंदर जो है इनके गिफ्ट वाउचर का कोड जो है इन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा फिर ये जाके जो है वो सभी कुरान की साइट पे जो शॉप का ऑप्शन है वहां जा सकते हैं और अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को जो है उस वाउचर के अमाउंट के मुताबिक जो है ख़रीद सकते हैं हाँ, मैं, मैं जयफर भाई इंशाल्लाह टीम से मैं कहूंगा अगले प्रोग्राम्स के लिए अभी तो शायद यह आमाद करना मुमकिन नहीं हो कि उस शॉप में क्या क्या चीजें हैं हमारे नाजरीन के लिए भी जो है वो, एक वीडियो एक वीडियो अगर, अगर मुमकिन हो सके तो चला दें तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कोशिश की जाएगी वो तमाम चीजें कि जो इन विनर तक पहुंचने वाली है वो ऐसे भी देख लें कि जिन तक खुदा न खास्ता न पहुंचने वाली यहाँ पे ये भी फिर ऐलान करते चले कि इस शॉप में ऐसा नहीं कि सिर्फ विनर ही इस शॉप पे जा सकते हैं जो जिनका नाम नहीं आया हाँ, है जी, वो जी, भी जी. इस शॉप को विजिट कर सकते हैं वहां पे भी जो बहुत से कल्चरल और बहुत सी सकाफती फरहंगी चीजें कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इस्लामिक कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं तो उसे भी वहां पर जाके आप खरीद सकते हैं सर्टिफिकेट के सिलसिले में सवाल हुआ तो सर्टिफिकेट के बारे में बता दें कि सर्टिफिकेट जो है अगर आपका दस दिन हंड्रेड परसेंट पार्टिसिपेशन रहता है तो आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा इसी तरह से ग्यारह से बीस तक अगर आपका पार्टिसिपेशन रहा या इक्कीस से तीस तक आपका हंड्रेड परसेंट पार्टिसिपेशन रहा तो आपको तीन सर्टिफिकेट मिलेंगे साथ ही साथ चौथा सर्टिफिकेट आपके तीसरे दिन तीसों दिन शिरकत करने का मिलेगा सर्टिफिकेट में मौला, आली मौलाना हजतुल मुस्लिम अली जना मौलाना नुसरत बुखारी साहब के दस्तखत भी होंगे ये आखिरी वाले में अगर किसी ने तीसों दिन जी शिरकत किया है या ये कि हर एक में मुझे जहाँ तक इल्म है मौलाना ने ये कहा है कि जिन्होंने पूरे महीने शिरकत करनी है अच्छा हाँ तीसों दिन अगर आपने शिरकत किया है तो उसमें इन शाह मौलाना सद साहब की साइन जो है वो आप तक पहुंचने वाली है जी जी क्विज का रिजल्ट जो है वो दूसरे दिन यानी कल छः बजे तक साइट पे भी अपडेट हो जाएगा अगर आप अपना नाम या अपनी डिटेल अपने नंबर्स मार्क्स स्कोर वहां जानना चाहते हो तो वहां से भी जान सकते हैं यानी अभी जो क्विज रात में आठ बजे खत्म हुई है सुबह में छह बजे आप जाकर रिजल्ट अपने नंबर देख सकते हैं और फिर उसके बाद से रात में उसी दिन रात में यानी एक दिन के बाद रात में दस बजे जो प्रोग्राम हमारा प्रीमियर पे आप यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आया आपका नाम इनाम में आया या नहीं आया इनशाला जरूर आएगा जी इनशाला अब चलते हैं दस उन के 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 नाम नाम भी जान लेते हैं हैं जिन्हें पार्टिसिपेशन की बुनियाद जो जो है के तौर पे, के तौर पे जो है है तौर तौर इनाम दिया जा रहा है। तो उनके दस नाम इस तरीके से सदफ़ फातिमा, इंडिया।, जहरा इंडिया।, अनीस फातिमा इंडिया फिर उसके बाद शबनम चौधरी पालानपुर इंडिया नसीम फातिमा वेस्ट विनोद वेस्ट विनोद नगर इंडिया असहर अब्बास जौनपुर इंडिया नासिर हुसैन अजमेर इंडिया आ, फिर उसके बाद सैयद सैयदा सीरा जहरा बरेली इंडिया जी आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो इन आपको भी जो है वो वेरीफाई करना होगा नंबर हमारी स्क्रीन पे नंबर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो इस नंबर पे जाके आप अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर वेरीफाई करें ताकि आपका भी जो गिफ्ट वाउचर का कोड है वो आप तक पहुंच, पहुंच सके जी तो ये वक़ार भाई जाते जाते आप अगर कुछ खास बात कहना चाहें तो। जफर भाई उस दिन गुफ्तु हम लोगों की हुई थी बस मुख्तसर उसी में आगे बढ़ाते हुए कि खुदा हमद मताल ने इस महीने में दावत दी है खुदा मेजबान है हम मेहमान हैं अगर हमें कोई अपने घर पर बुलाता है दावत पर बुलाता है तो हमारी क्या कैफियत होती है हम किस तरीके से जाते हैं हमारे जाने का अंदाज क्या होता है जब हम जाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा रिजर्व रहते हैं किसी भी तरीके से कोई ऐसा अमल अंजाम नहीं देते हैं कि जिससे सामने वाला यानी जिसने बुलाया है उसे बुरा लगे बिल्कुल क्या हमने एक बेहतरीन महीना है अफजल तरीन महीना है जिसकी रात बेहतरीन रात है जिसके दिन बेहतरीन दिन है इस महीने में और हर इंसान चाहता है कि इस महीने में मैं सबसे अफजल बन जाऊ सबसे बेहतर बन जाऊं क्या करिया जाए खुद रसूल अक्रम से जब सवाल हुआ कि इस महीने का सबसे बेहतरीन अमल क्या है तो रसूल अक्रम ने आवाज़ दिया इस महीने का सबसे बेहतरीन अमल यह है कि तुम महारी में एलाहीहि से मासीत अलाही से गुनाह से बच जाओ यही सबसे अफजल अमल है यानी जब हम खुदा के दस्तरखान पर पहुँच रहे हैं और इस महीने में खुदा ने अपनी दावत पर बुलाया है मेहमानी पर बुलाया है तो हमें गुनाह नहीं करना है दीगर मुस्तकमल अंजाम दिया जाए बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए लेकिन इस महीने में ख़ास तवज्जो हो कि हमारे आँखों से कोई गुनाह ना होने पाए हमारे हाथों से कोई गुनाह ना होने पाए हमारे कदम गुनाह की तरफ न बढ़ें तवज्जो करें हम सब मिलकर एक बेहतरीन माशरे और बेहतरीन समाज को बनाएं ताकि मामले वसलाम का जहर जल्द से जल्द हो सके इन शी जी ये तो हमारा आज का प्रोग्राम इनशाला कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगले दिन की क्विज को लेकर तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए खुदा हाफ कुरान हिदायत का रास्ता